Election. Ooh la la. Hello and welcome to Election. Ooh la la. यानी दुनिया के सबसे मनोरंजक चुनाव का एक लौता बायोस्कोप. इलेक्शन वैसे तीन चीजों से चलता है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और बहुत एंटरटेनमेंट. अगर इन तीन चीजों के अलावा इंडिया के इलेक्शन में कोई और चौथी चीज होती है तो वो भी कमबख्त एंटरटेनमेंट ही होता है. चुनावी अंताक्षरी में हर नेता के लब पर यही एक गाना है, क्योंकि कुर्सी हर किसी की फैंटेसी है. लेकिन अमेठी और रायबरेली में आजकल एक पुराना गाना नए सिरे से पॉपुलर हो रहा है. तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, भले हो बुरे हो, जैसे भी तुम हो, मेरे देवता हो, मेरे देवता हो. अपने देवता समान पति के अपमान से आहत भारतवर्ष की बिटिया रानी प्रियंका गांधी ने छेड़ दिया है ये तराना. एक भारतीय नारी पति का अपमान कैसे सह सकती, कैसे ये बर्दाश्त करे एक सशक्त भारतीय नारी कि उसके पति को कोई घोटालेबाज कहे. मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं और मुझे भी जितने जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी. प्रियंका ने अपने दुश्मनों को ललकार दिया है. मेरे पति के बारे में जितना भला बुरा कहोगे मुझे उससे उतनी ही मजबूती मिलेगी. अब बीजेपी तो है ही महिला सशक्तिकरण के पक्ष में, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को गालियां दे दे के प्रियंका गांधी को मजबूत करने में जुट गई. 1,00,000 रुपया था और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया. ऐसा जादूगर ये है. मां बेटे का ये मॉडल है, मां बेटे का ये कारोबार है. जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया. प्रियंका जी, आप और आपके भाई और आपके माता जी गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात बहुत करते हैं, सवाल उठाते हैं. बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद आपसे एक सवाल पूछ रहा है, ये रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, जरा इसका उत्तर दीजिए आप. 2-3 लाख की पूंजी लगाकर 1-2 साल के अंदर 300 करोड़ रुपया कमाना, ये कौन सा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है? मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा, द कंट्री वॉन्ट्स एन आंसर फ्रॉम यू. नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्तार अब्बास नकवी तक बीजेपी के तमाम बड़े नेता रॉबर्ट वाड्रा को पानी पी पी के कोस रहे हैं. लेकिन कांग्रेस के दामाद से सबसे ज्यादा स्नेह साध्वी उमा भारती को है. पिछले 3 दिनों में रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने का यह उनका 6ठा बयान. जी, मेरी पार्टी के लोग भले ही मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में बात आएगी उस दिन मैं जमाई बाबू को जेल जरूर भिजवाऊंगी. साध्वी के श्रीमुख से आजकल राम राम के बदले रॉबर्ट रॉबर्ट निकल रहा है. संयम ही साधु साध्वियों का श्रृंगार है, यह बात आपसे अच्छी तरह और कौन जान सकता है साध्वी जी. ऐसी वाणी बोली, यहाँ 4-5 लोग ऐसे बैठे हैं जो सोनिया गांधी का दामाद होगा, जो चोट्टा होगा वो जेल जरूर जाएगा. कोई माई का लाल मुझे हटा नहीं सकता था. भेड़ के लिए एक रूल और सांड के लिए दूसरा रूल, ऐसा नहीं चलने वाला है. ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए. ऐसी बानी बोलकर साध्वी उमा भारती स्वयं तो शीतल हो गई, लेकिन प्रियंका गांधी के तन बदन में आग लग गई. घायल शेरनी की तरह प्रियंका ने बोल दिया अपना आखिरी हमला, किसी और पे नहीं सीधे साहिब पे. अगर हमारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हो तो बंद कमरे में हमारे फोनों में
सांसारिक मोह माया से परे हो चुके बीजेपी के साहब के खिलाफ ऐसी बयानबाजी बहुत नाइंसाफी है। लेकिन साहब बहुत सहनशील है। नमो इज वेरी स्मार्ट। नमो जानते हैं कि चुनावी मौसम में नेताओं की बोली बेलगाम घोड़े की तरह हो जाती, एक बार चल पड़ी तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। जरा सुनिए, जेडीयू नेता शकुनी चौधरी और अमर सिंह की सोहबत में आकर नए नए शायर बने चौधरी अजीत सिंह क्या कह रहे हैं नमो के बारे में, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे, कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं लगता हूं पकड़ा गया, मैं उसके अलावा कोई शब्द उसको पसंद नहीं। इस शो में अक्सर मैं एक प्रार्थना करता हूं, फॉरगिव देम माय लॉर्ड फॉर दे डोंट नो व्हाट दे से। हे भगवान, इन नेताओं को माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या बोल रहे हैं। नेताओं की गुस्ताखियां माफ हो। थोक भाव में हो रही नेताओं की गुस्ताखियों और बदतमीजियों के बीच लालू जी एकदम चुपचाप थे, न गरिया रहा था न चुटकुला सुना रहा था। लेकिन अचानक लालू जी ने मुंह खोला और कुछ ऐसा बोला जो लालू जी ही बोल सकते हैं। बट ये नीतीश कुमार यहीं से निकल के गया है। हमने नहीं समझा था कि बबूल का पेड़ निकलेगा, नहीं तो पहले ही हम गर्म पानी डाल के हम जलाते होंगे। काहे बोल दिए लालू जी इतना डेंजरस बात, सोचा भी नहीं बोलने से पहले एक को बात। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी का कहना है, मुसलमानों को मोदी से नहीं अल्लाह से डरना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा जोशी जी आपने, मोदी से सिर्फ आपको और आडवाणी जी को ही डरना चाहिए। उधर लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, जो वोट ना डाले उससे उसका वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। आडवाणी जी माफ कीजिएगा, लेकिन देख रहा हूं जब से आपका कुछ छिना है आप छीनने छिनाने पर बहुत जोर दे रहे हैं। हम तो सनम डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अच्छा आडवाणी जी एक बात बताइए, कहीं नरेंद्र मोदी ने यह तो नहीं कहा था कि जो पीएम नहीं बन पाए उससे उसका पीएम इन वेटिंग छीन लेना चाहिए? बोलिए बोलिए आडवाणी जी। अरे कितना घटिया सवाल है, मैं जवाब नहीं दूंगा, जा रहा हूं मैं। लीजिए, आडवाणी जी फिर से रूठ गए, गारंटीड 3 दिन से पहले नहीं मानेंगे। देखो रूठा ना करो, बात मेरे दिल की सुनो, हम तो सुन लेंगे सनम, तुम सताया ना करो। रूठना बनाना यूं ही चलता रहेगा, यही सुंदरता है हमारे लोकतंत्र की। नजर ना लगे इसे बुरी नजर वाले, फिटे मुंह तेरा मुंह काला। हेलो वेलकम बैक। वैसे वेलकम बैक चुनावी मौसम में कुछ ज्यादा ही सुनने को मिलता है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए से दूर हो चुके थे लेकिन मोदी ने कहा वेलकम बैक और चंद्रबाबू एनडीए में वापस आ गए। रामविलास पासवान मोदी रथ की तरफ टुकुर टुकुर ताक रहे थे, मोदी ने कहा वेलकम बैक। रामविलास बाबू भी लपक के मोदी रथ पर सवार हो गए। मोदी रथ तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। शहनशाह बादशाह और भगवान के बाद नमो के लिए वाराणसी में आजकल एक नया जुमला चल पड़ा है। लोग कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स के नए डॉन हैं। अरे अब की बार किसकी सरकार, जनता ने दिल में ये ठाना है, वो मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, पंजे को मोदी 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 मोदी। बनारस वालों
मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं मोदी, मैं मोदी, मैं मोदी, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं मोदी। मोदी रथ पर सवार एनडीए के पार्टनर गाते बजाते मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन डर सता रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद कहीं उन्हें रथ से ना उतार दिया जाए। चुनावी लहर को देखते हुए बीजेपी दावा कर रही है कि उसकी सरकार अपने दम पे बनेगी। मैं समझता हूं कि लगभग 300 सीटें निश्चित रूप से प्राप्त होंगी, यह सीमा क्रॉस भी कर सकती है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का यह दावा सुनकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुस्सा आ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सचमुच प्रधानमंत्री जी को गुस्सा आ गया। प्रधानमंत्री का कहना है मोदी लहर सिर्फ मीडिया में है जी, और इस बार पूर्ण बहुमत से यूपीए की सरकार बनेगी, है ना सोनिया जी? ये तालियां किस बात पे, प्रधानमंत्री के बयान पे या लतीफे पे? माफ कीजिएगा, मैं कोई लतीफा नहीं सुना रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने सचमुच ऐसा ही कहा। मोदी वे इज द क्रिएशन ऑफ द मीडिया। आई डोंट थिंक, आई थिंक द कंट्री एज अ होल इज डिस्ट्रक्ट बाय एनी मोदी वे। राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। राहुल का कहना है कि अगर यूपीए फिर से सत्ता में आए भैया तो मैं 103% पीएम बनूंगा। अगर एमपी कहें 100% करूंगा, 99% नहीं, 103%। 103%? भाई 100% तो समझ में आता है, ये एक्स्ट्रा 3% का कौन सा हिसाब हुआ? ओह अच्छा अच्छा समझ में आया, मनमोहन जी का भी 3% आपने अपने कोटे में ऐड कर लिया, बहुत खूब। ऐसे ही हंसते रहा कीजिए राहुल जी, एंग्री यंग मैन की इमेज में हमेशा बंधे रहना अच्छी बात नहीं है। आप सबको तो पता ही है कि राहुल गांधी इंडियन पॉलिटिक्स के एंग्री यंग मैन है, लेकिन एंग्री यंग वुमन कौन है? सोचिए सोचिए। बेशी शोक में ना, खबरदार, जो किसी और का नाम लिया शेखर नहीं लूंगा। ममता दीदी है, ममता दीदी है एंग्री यंग वुमन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। हम एक बंगाल में लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान भी दीदी का इलेक्शन कमीशन से बहुत झगड़ा हुआ। दीदी बात बात पे बोलता था आई चल बेटा आ हो बेटा, लेकिन दीदी एक तो बात बोलूं मारेगा तो नहीं, चुनाव है तो चलेगा इलेक्शन कमीशन का, आपका थोड़ी ना चलेगा दीदी। नहीं नहीं, दीदी का टेरर चुनाव प्रचार कर रहे विरोधी पार्टियों के उम्मीदवारों पर भी दिखाई दिया। आसनसोल से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के संगीतकार उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने फरियाद लगाई कि जब वो म्यूजिक बजाकर प्रचार कर रहे थे तब तृणमूल के कार्यकर्ता आए, उन्होंने म्यूजिक ही नहीं बंद करवाया बल्कि बाबुल के लोगों का सुर ताल लय भी बिगाड़ दिया। ममता दीदी से भी लोग बहुत नाराज हैं। नाराज लोगों की इस लिस्ट में शामिल है अरविंद केजरीवाल के पूर्व गुरु अन्ना हजारे। अन्ना बेचारे बिना सहारे, देखो पूछ पूछ कर हारे, बिन ताले की चाबी लेकर देखो फिरते हैं मारे मारे। लोकपाल आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल अपना आम और गुठलियों के पूरे दाम लेकर अन्ना से अलग हो गए। बेचारे अन्ना क्या करते, पोटली में पड़ा पड़ा आशीर्वाद बेकार हो रहा था, उन्होंने अपना आशीर्वाद फौरन एंग्री यंग वुमन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स ममता बनर्जी को दे दिया। कहां सबने किया, ममता ने, मेरा आशीर्वाद ममता जी के साथ। लेकिन अन्ना का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार से भी ज्यादा अल्पायु निकला। इधर दीदी ने मुंह फुलाया, उधर अन्ना ने आशीर्वाद लौटाया। मैंने सपोर्ट किया उसको, किया पार्टी को नहीं। बेचारे अन्ना अपने आशीर्वाद की गठरी लिए लिए घूम रहे थे, जब कोई नहीं मिला तो थक हार कर अन्ना ने अपनी पुरानी सहयोगी मेधा पाटकर को आशीर्वाद की पोटली थमा दी। अब अन्ना आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मेधा पाटकर के साथ है।
सुना है अन्ना सामाजिक राजनीतिक बदलाव के लिए फिर से आंदोलन करने वाले? क्या फायदा अन्ना जी, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। देश के सबसे मनोरंजक चुनाव के बायोस्कोप में आज बस इतना ही। आप फेसबुक के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। कल फिर होगी मुलाकात। खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और चुनावी तमाशा के लिए सिर्फ इलेक्शन। उलाला 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 उलाला।